जाहिर सी बात, जब आप जीतते हैं तो कहते हैं कि वो बेस्ट प्लेयर है हमारा, जब आप हारते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये रन होते भी है। आज भी आप अगर देखेंगे हेनरी ने 50 से ऊपर का है, हेनरी इनका बेस्ट बॉलर है, उससे पिछले मैच में दूसरे ने कहा उनके 50, तो ये टी ट्वेंटी की खूबसूरती है। आपको ऐसे छोटे ग्राउंड में 50 रन, 45 रन, 40 रन, ये तो आपके आप माइंड में लेके आए कि यार ये तो हो सकते हैं। आपको उसको अच्छे बॉलों पे भी रन पड़े हार इसको, और हम ये समझ रहे हैं कि हमने गलत बॉलिंग की है, बट आप उसको अच्छी बॉलिंग पे भी रन पड़े हैं, और हारे समान हमारा बेस्ट बॉलर टी ट्वेंटी में सबसे ज्यादा उठे पाकिस्तान की तरफ से। अब इसमें हमारे देखिए जो ग्राउंड की हिस्ट्री बता रही थी कि पहले टॉस और बॉलिंग करना, जो कि पिछले मैच हुए इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसमें ज्यादा सक्सेस था कि चेसिंग बहुत आसान थी, तो हमने यही एज अ टीम मशवरा किया कि यार क्या ऐसा बेहतर होगा। अनफॉर्चुनेटली हम वैसे डिलीवर नहीं कर पाए पावर प्ले में एज अ बॉलिंग यूनिट, और ओवरऑल तीनों मैचों में अगर हम देखें तो बॉलिंग बहुत क्लैप्स कर रही है, बट आपने ज़रूर इस टीम को टाइम देना पड़ेगा अगर हमने बड़ी इवेंट का सोचना है। नहीं देखिए, आप जब भी ऐसे टूर पे आते हैं आपको आसान टीम तो नहीं मिलती अपोनेंट, और न्यूजीलैंड हमेशा एक अच्छी खासी टीम रही है। जब भी आप इनके कंडीशन में आते हैं और इवन कोई भी टीम आती है तो आसानी से उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते, बट ओवरऑल आई थिंक हमने तैयारी काफ़ी अच्छी की थी टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप कहें कि ओपनिंग जोड़ी हमने ट्राई किया है कि हम क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जब इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास 17 मैच है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बेस्ट 11 और बेस्ट 15 जो प्लेयर्स होंगे ना तो क्या होंगे, तो उनको सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए तो जाहिर सी बात है आपको ट्राई करना पड़ेगा। वैसे ही बॉलिंग यूनिट में है, आपको सबको एक अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ही डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है और इंटरनेशनल के, तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से ये है कि जो जितनी अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हो तो हम देंगे इनको। देखिए जाहिर सी बात, जब आप जीतते हैं तो कहते हैं कि वो बेस्ट प्लेयर है हमारा, जब आप हारते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये रन होते भी है। आज भी आप अगर देखेंगे हेनरी ने 50 से ऊपर का है, हेनरी इनका बेस्ट बॉलर है, उससे पिछले मैच में दूसरे ने कहा उनके 50, तो ये टी ट्वेंटी की खूबसूरती है। आपको ऐसे छोटे ग्राउंड में 50 रन, 45 रन, 40 रन, ये तो आपके आप माइंड में लेके आए कि यार ये तो हो सकते हैं। आपको उसको अच्छे बॉलों पे भी रन पड़े हार इसको, और हम ये समझ रहे हैं कि हमने गलत बॉलिंग की है, बट आप उसको अच्छी बॉलिंग पे भी रन पड़े हैं, और हारे समान हमारा बेस्ट बॉलर टी ट्वेंटी में सबसे ज्यादा उठे पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल देखिए, सायम जो है अभी मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, और उसमें वो एबिलिटी, वो अंगर है कि यार मैं कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, और वो बच्चा माशाल्लाह जब भी नेट्स में भी खेलते हैं अगर मैच में खेलता है तो अपना बेस्ट करने की कोशिश दे रहा है, और इस कंडीशन में थोड़ा सा आसान नहीं होता है यंगस्टर बच्चे को, और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। आजम की आपने बात की, आजम डोमेस्टिक का सबसे अच्छा परफॉर्मर है, अगर आप उसको देखें 5-6 नंबर पे उसके एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है पाकिस्तान में, तो ये वो प्लेयर्स है कि उनको अपॉर्चुनिटी अगर प्रॉपर मिलेगी तो टीम के लिए फ़ायदा ना होगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बाबर को ये फॉर्म से नहीं गया, कि हम समझ रहे कि एक दो मैचों की वजह से हम बाबर को टेस्ट के उसमें कंडीशन भी आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो खेला है, एक दो इनिंग्स से कुछ नहीं, बाबर ने फिर से प्रूव कर दिया, 3 मैचों में 3 बेस्ट इनिंग्स कर दी। मेरे ख्याल से फिनिश नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है, लेकिन आपके साथ एक प्लेयर होना चाहिए कि वो थोड़ा सा लंबा लेके जाए, लेकिन बाबर ने बेस्ट इनिंग्स तीनों में खेली। अनफॉर्चुनेटली अगर दूसरे एंड पर भी कोई अच्छा बैट्समैन उसके साथ होता तो मैच वो फिनिश कर सकता था। कोशिश करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, क्राइस्टचर्च की विकेट को फिर से देखेंगे कि क्या उसकी है, लेकिन मौका देना पड़ेगा क्योंकि नए प्लेयर और भी बैठे हुए हैं जैसे वो डगआउट पे, तो देखिए अपना बेंच तो आजमाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से जब हम इनको मौका देंगे फिर हमारे 5 मैच पाकिस्तान में इनके साथ वापसी में, तो वो एक टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बने वर्ल्ड कप से पहले, कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप में बेस्ट 15 प्लेयर्स हमारे लिए पहले से मौजूद हो। ये करता है कि यार टीम वाले एफर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि टीम वाले सारे एफर्ट कर रहे हैं, और सब ये सोच रहे हैं कि यार क्या बेहतर कर सकते हैं, सब 1 से लेकर 11 तक सब वो फील्ड में भाग रहे हैं, मशवरे हो रहे हैं कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, वो सारे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रिजल्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम है, वो टाइम भी गुजर जाएगा।